दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। बिहार टीईटी में 10,000 अभ्यर्थियों ने बोर्ड से अभी तक शिकायत की है और शिकायतों का सिलसिला जारी है। तो इन शिकायतों के बाद अब जो बिहार बोर्ड का नया रिजल्ट निकलेगा, इन शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए वो 15 नवम्बर के बाद निकलेगा, यानी कि नवम्बर के दूसरे सप्ताह के बाद निकलेगा। ये सबको लेकर बड़ी खबर यहाँ पर आई है, तो चलिए हम लोग ये सारी न्यूज़ यहाँ पर देखते हैं आज के अखबार में। तो दोस्तों, OMR सीट पर अंकों में सुधार व गलत प्रश्न को लेकर बहुत सारे मामले आए और 10,000 अभ्यर्थियों ने बोर्ड से शिकायत की है। तो अगर इस न्यूज़ पर हम गौर करें तो OMR सीट पर अंकों में सुधार, बोर्ड ने प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न डाले आदि इस तरीके की बातों पर अभी तक लगभग 10,000 टीटी अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड में शिकायत दर्ज करवा दी है। इसके अलावा अभी और भी शिकायतें दर्ज हो रही है। शिकायत दर्ज करने वाले में सबसे अधिक व्हाइटनर वाले अभ्यर्थियों की संख्या है। तो ज्ञात हो कि टीटी स्क्रूटनी के लिए बिहार बोर्ड ने आवेदन मांगा था। लगभग 17,000 ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिनके OMR को व्हाइटनर लगे होने के कारण इनवैलिड कर दिया गया था। अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद अब सभी शिकायतों को कैटेगरी के अनुसार अलग अलग किया जा रहा है। सारी शिकायतें अलग अलग करने के बाद उसकी जाँच करवा ली जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने एक्सपर्ट की टीम तैयार की है। एक्सपर्ट की टीम सारी शिकायतों की जांच करेगी। तो आगे है, नवंबर के दूसरे सप्ताह के बाद निकलेगा रिजल्ट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट इसका निकलेगा वो 15 नवंबर के बाद निकलेगा। तो समिति की माने तो रिजल्ट तैयार करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि सारी शिकायतें आने के बाद ही सुधार संबंधित कार्य किए जाएंगे। सारे अभ्यर्थियों को एक साथ रिजल्ट दिया जाएगा। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किया है उनके ईमेल पर भी रिजल्ट भेजा जाएगा। आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे अभ्यर्थी। तो आंसर की में गलत प्रश्नों पर बिहार बोर्ड सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक दे, इस मांग को लेकर बिहार टीईटी महाआंदोलन 2017 अभ्यर्थी कमेटी सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना देगी। कमेटी के मुख्य सचेतक अशोक झा ने बताया कि प्रदेश भर से काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी इस धरना में शामिल होंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। धरना पर अभ्यर्थी बिहार बोर्ड के मुख्य गेट पर बैठेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्क्रूटनी में टीटी स्क्रूटनी के लिए बिहार बोर्ड ने आवेदन मांगा था। सारी शिकायतें अलग अलग करने के बाद जाँच करवाई जाएगी। बोर्ड की एक्सपर्ट टीम सारी शिकायतों की जाँच करेगी और ऑनलाइन आवेदन देने वाले को ईमेल पर भी रिजल्ट भेजा जाएगा। 17,000 OMR व्हाइटनर के कारण इनवैलिड हुए। और यहाँ पे आनंद किशोर जो अध्यक्ष हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, उनका कहना है कि अभ्यर्थियों को आपत्ति देने का मौका दिया गया था। काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। सारे आपत्ति को देखने और रिजल्ट तैयार करने में अभी समय लगेगा। नवम्बर के दूसरे सप्ताह के बाद ही रिजल्ट निकल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी अभी की बड़ी खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की सारी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।